नमस्कार दोस्तों, इतिहास से जुड़ी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के साम्राज्य के बारे में। एक बहुत बड़ा साम्राज्य। हम जिन शेरों को चित्रों के रूप में पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानने कि अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का राजा कहा जाता है। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। इस चित्र में आप अशोक का चिन्ह देख सकते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इसे मानचित्र में काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे, इसे कमेंट में बता सकते हैं। साम्राज्य के विभिन्न भागों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र तथा प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रहता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कम्बल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है।
ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ यहाँ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। पाटलिपुत्र, आधुनिक पाटलिपुत्र के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 775 बुर्ज और 56 द्वार हैं। दो और तीन मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ अर्थात लकड़ी से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न है यह आप बताइए। आप पुराने वीडियो तो आपने देखे ही हैं। इसमें मोहनजोदाड़ो अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर इन नगरों से किस प्रकार भिन्न है। मौर्य साम्राज्य में अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी लकड़ी मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बताया, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों की प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय कर लिया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुए? धम्म शब्द संस्कृत शब्द है। धम्म का मतलब है धर्म। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था अर्थात धर्म क्या था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। और एक शेयर लाइक ज़रूर करिए।